नमस्कार दोस्तों, आज के वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ह्यूमन न्यूमरोलॉजी एंड वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस पे आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा जो यूनिक एनिमल है मेन वुल्फ, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। मेन वुल्फ ये साउदर्न अमेरिका में पाने जाने वाला एक कैनिड फैमिली से सबसे लार्जेस्ट एनिमल है जो वहाँ पर पाया जाता है। अगर हम कैनिड फैमिली की बात करें तो उसमें वुल्फ है, फॉक्स है, जैकल है और डॉग्स, बाकी सभी जानवर जो वुल्फ की फैमिली में आते हैं तो उसमें आते हैं। तो वुल्फ की फैमिली में से ही बिलोंग करने वाला, लेकिन सबसे अलग ऐसा ही एनिमल, यूनिक एनिमल, जैसे कि मैंने कहा ये इसकी एक ही स्पेसीज है जो क्राइसोकायन जीनस के अंडर आती है, जिसे गोल्डन डॉग भी कहा जाता है। तो इस तरह से मेन वुल्फ जो पूरी दुनिया में स्पेसिफिक एक स्पेसीज है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं मेन वुल्फ किस तरह से दिखते हैं। मेन वुल्फ का स्पेसिफिक अगर आप देखें तो बाकी जो कैनिड फैमिली में से मेंबर्स है, जैसे कि वुल्फ है या फिर जैकल है, तो इनसे इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है और इनका पैरों की लंबाई ज़्यादा इसमें देखी जाती है। आप जब ये फ़ोटो देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि उनके शरीर के हिसाब से इनके टांगों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। दिखने में फॉक्स की तरह ही थोड़ा दिखते हैं, वुल्फ की तरह दिखते हैं, लेकिन ये ना तो फॉक्स है ना तो वुल्फ है। जैसे मैंने कहा कि इनका जीनस अलग है और ये स्पेसिफिक ओमनिवोरस है, जैसे मैंने कहा कि फल खाते हैं। फल के अलावा स्पेसिफिक इनका वुल्फ एप्पल नाम का फल इनके जो भी डाइट है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये छोटे छोटे एनिमल जो है उसको भी खाते हैं। तो इस तरह से ये ओमनिवोरस है। इनका अगर वज़न लगभग देखें तो 20 से 30 किलो तक इनका वज़न देखा जाता है और हाइट अगर देखें तो 90 सेंटीमीटर के आसपास इनकी हाइट होती है। स्पेसिफिक ट्विलाइट पीरियड में, या जो हम बोलते हैं शाम या सुबह का वक्त होता है, तो उस वक्त ये ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं इस तरह से। इसके अलावा इनका जो स्पेसिफिक हैबिटेट है, जो ग्रासलैंड्स है या फिर स्पेसिफिक जो हम बोलते हैं कि ज़्यादातर कम हाइट वाले जो बुशेस है इस एरिया में पाया जाता है। इनका लगभग अगर गेस्टेशन पीरियड देखें तो 60 to 65 डेज़ का गेस्टेशन पीरियड रहता है, जिसमें 2 से 5 या 6 बच्चे पैदा करते हैं। ये सॉलिटरी रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि बाकी कैनिड फैमिली के मेंबर्स झुंड बना के रहते हैं, पैक बना के रहते हैं। जैसे आपने देखा हो कि बहुत बार वुल्फ का आपने पैक देखा है, फिर या फॉक्स भी 2 से 3 फैमिली के हिसाब से रहते हैं, या बाकी भी जो इस फैमिली के मेंबर है। तो इस तरह से नहीं है। तो इस तरह से हमने मेन वुल्फ जो यूनिक एनिमल है कैनिड फैमिली से, इसके बारे में जानकारी ली है। तो इस तरह से बाकी जो भी यूनिक एनिमल्स है जिसकी बात हमने इससे पहले की वीडियो में की थी, तो अगले वीडियो में उनके बारे में जानकारी देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद।